नमस्कार व्यूअर्स, आपका अपने चैनल सुमन हैंडीक्राफ्ट में आज फिर से एक बार स्वागत है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्रोइंग बैग लेकर आई हूँ। इसको मैंने विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के बनाया है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं आया है। बस जो आपका घरेलू सामान आता है जिन प्लास्टिक बोरों में, उन्हीं प्लास्टिक बोरों से मैंने इसको बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इस ग्रोइंग बैग को बनाने के लिए मैंने यह पल्सिस का बैग लिया है। जैसे कि मार्केट में पल्सिस आते हैं, राइस आते हैं, और अगर आपको यह ग्रीन कलर का बैग मिल जाए तो और भी बेटर है, क्योंकि जैसे किसानों के पास खाद वगैरह आता है वो ग्रीन कलर का भी होता है, अगर ग्रीन मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको ले लिया है मैंने और इसको यहाँ से खोल लिया है। देखिएगा, अब मैंने खोल के इसको फैला लिया है, पूरा फैला लिया है। और अब मैं क्या करूँगी इसमें, जैसे कि मेरा ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा इसमें, तो इसको मैं कॉर्नर पे, देखिएगा, 10 इंच का यहाँ पर मार्कर से निशान लगाऊंगी, ऐसे, देखिए ऐसे, और 10 ही इस साइड से, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, चारों कोनों पे मैं इसमें 10-10 इंच के निशान लगा लेती हूँ यहाँ पे, 10 ऐसे और 10 ऐसे, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी, ये इसमें यहाँ पर देखिए 10 ऐसे 10 इधर से यहाँ और 10 ऐसे, तो चारों कोनों को मैं 10-10 इंच निशान लगाकर इनको कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने चारों कोनों से इधर से भी निकाल लिया ये पीस, ये रहा, यहाँ से भी और यहाँ से भी मैंने चारों कोनों से चार पीस निकाल लिए हैं 10-10 इंच के। अब देखिएगा हमें क्या करना है, अब तो यहाँ से पकड़ के ऐसे, ठीक है, यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है इसमें हम यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मोड़ के ऐसे सिलाई लगा लेंगे, डबल करके लगा लें यहाँ से इस तरीके, जैसे हम सलवार वगैरह बनाते हैं उसमें नाड़ा डालने का स्पेस होता है, उसी तरीके से हम इनमें बना लेंगे, जो ये हमारा स्पेस है यहाँ पे, इसमें भी और यहाँ भी, यहाँ और यहाँ, ठीक है। मैं इधर से भी दिखा देती हूँ आपको, देखिए ये हमारा सीधा पार्ट रहेगा, तो हमें यहाँ से ऐसे करके इसमें यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे, चार पार्ट हो गए ना, चार कोने निकल गए, उनके बीच का जो पार्ट बचा हुआ है इसमें हम ऊपर के किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, जैसे कि नाड़ा डालते हैं उस तरीके से, और फिर इसे ऐसे करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे, ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए, मैंने इसमें यहाँ पर सिलाई लगा ली चारों कोनों पर, जो मैंने 10-10 इंच के पीस निकाले थे वहाँ पे, इधर भी सिलाई लगा ली है, यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। और जो ये ऊपर का पार्ट है इसमें मैंने जैसे सलवार का नेफा बनाते हैं उसी तरीके से चारों तरफ नेफे बना लिए हैं, इधर भी और यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। और जो 10-10 इंच के मेरे पीस थे उनको मैंने एक साथ जोड़कर उसको मैंने इसके अंदर भी यहाँ पर अटैच कर दिया है, ताकि यह नीचे से मजबूत रहे। और इनमें मैंने ये स्टिक लगा दिए हैं, जैसे कि हमारे पास ट्री या छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनकी जो ब्रांचेज होती हैं उन्हीं को निकाल कर यहाँ से ऐसे लगा दिए हैं, देखिए इधर भी मैंने लगा रखी है, यहाँ भी और इसमें भी और यहाँ भी। इससे मुझे क्या सुविधा रहेगी, जैसे कि जब इसमें मिट्टी भर जाएगी और इसे हम उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे तो आसानी से इसको उठा पाएंगे और ये खड़ा रहेगा। यह बोरा जो था जिससे मैंने ये बनाया है अपना ग्रोइंग बैग, यह रेक्टेंगल शेप में था तो मुझे आसानी रही इसको बनाने में। और अगर आपको स्क्वायर में बनाना है
तो आप उसको स्क्वायर ही कर लें अपने बोरे को। और इसकी डायमेंशन जो है देखिए, ये 10 इंच इधर से है, 10 ऊपर खड़ा, तो ये 10-10 इंच का मैंने काटे ही थे, आपको पता है 10-10 इंच के पीस। और इसकी ऐसे जो है ये 13 यहाँ पर है, 10 ये और 10 ये 33 है कुल मिला के, इस साइड से 33 है और इधर से ये 37 है, क्योंकि इस साइड से इसकी जो लंबाई बैटरी है ये 17 है और 10 यहाँ पर हो गया, 10 यहाँ पर हो गया, तो रेक्टेंगल शेप में ही था, कहने का मतलब ये है। और अगर आपको स्क्वायर में बनाना है तो आप अपने बोरे को स्क्वायर कर लीजिएगा, उससे भी आसानी हो जाएगी बनाने में। और अब चलते हैं हम अपने गार्डन में, इसमें मिट्टी भरेंगे। अब मैं इसमें मिट्टी भर रही हूँ, ये मेरी मिट्टी थोड़ी गीली हो गई थी क्योंकि कल बारिश हो गई थी, और मिट्टी भरने से पहले मैंने इस बैग में छोटे छोटे छेद कर लिए थे, और इसमें काफ़ी स्पेस है अब ये, और मैं इसमें क्लाइंबर वगैरह लगा दूंगी क्योंकि क्लाइंबर की ज़्यादा ही स्पेस चाहिए, बड़ी अच्छी हो जाएगी क्लाइंबर इसमें। और ये है जो गार्डन है हमारा, हमने ऊपर छत पे बनाया हुआ है क्योंकि नीचे हमारा इतना स्पेस नहीं था गार्डन बनाने के लिए, और इसमें मैंने छोटे छोटे पौधे और प्लांट वगैरह ये लगाए हुए हैं। अगर आपको मेरा यह ग्रोइंग बैग की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि इस तरह की आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, मुझे कमेंट्स करके यह अवश्य बताएं कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा और मेरे ग्रोइंग बैग की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।